पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग 18वां सामान्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर हम सभी लोग सुनते हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल कर आ रहा था और जिसमें हारून और मूसा वे अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन इसराइलियाँ ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। वे यह कहने लगे कि ईश्वर हमें इस प्रदेश से क्यों निकाल कर बाहर ले जा रहा है, जहाँ हमें मरने की अवस्था में कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। क्योंकि वे कह रहे थे कि हम जो भी थे वहाँ हम सभी लोग हड्डियों के सामने मांस भरा हुआ भोजन हमें मिलता था, लेकिन हम यहाँ पर मरुभूमि में मर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि यह समस्या केवल इसराइलियों का नहीं है, लेकिन आज हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन क्या हम इसराइलियों की तरह नहीं भुनभुनाते हैं? क्या हम सभी ईश्वर के विरुद्ध नहीं जाते हैं? यह केवल इसराइलियों के लिए नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में भी यह समस्याएं हैं। मैं देखता हूं हमारे जीवन में कई सारे लोग होते हैं, अपने जीवन में कभी खुश नहीं दिखते हैं। वे हमेशा ईश्वर के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध, अपने विरुद्ध हम भुनभुनाते रहते हैं। मैं याद करता हूं हम सभी जितने भी सदस्य हैं इस धरा पर, हम सभी स्वर्ग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो वी आर द पिलग्रिमेज ऑफ दिस अर्थ, मतलब हम तीर्थ यात्रा में परमेश्वर की ओर जा रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए हैं। इसराइलियों ने 430 वर्षों तक अपना जीवन बिताया और वहाँ से ईश्वर उनको बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन 70 से 80 वर्षों का ही है, लेकिन क्या हम इस 70 से 80 वर्षों का जीवन कितना खुशहाली हम जी पाते हैं? इसे मैंने कहा कि यह हमारा जीवन एक तीर्थ यात्रा के समान है। जब हम सभी ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन में हमें वह सुविधा नहीं मिलती है जो घर पर मिलती है, वह खाना हमें नहीं मिलता है जो हम मनपसंद घर में बना के खाते हैं, लेकिन जब हम उस यात्रा को पूरा करते हैं तो हम मनपसंद चीज़ें देखते हैं। हम जो चाहते हैं, जहाँ चाहते थे, हम वह चीज़ देख पाते हैं। यदि आप सोचेंगे कि यदि हम चंद्रमा की ओर जाकर हम उसका सदृश्य या तो हम वह व्यू देखें, तो हमें बादलों पर जाना पड़ेगा जहाँ पर कुछ भी सुंदरता नहीं है, लेकिन यदि वह मनुष्य जिसने पहली बार गया, यदि वह इस धरा का सुंदरता को ही देखकर अपनी प्रशंसा करता तो वह उस चांद पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन रास्तों में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुंदरता नहीं थी, लेकिन जब वह उस चांद पर पहुंचा तो उसका खुशहाली पूरे भर गए। वैसे आज हमारा जीवन है, हम इस धरा पर एक तीर्थ यात्रा के समान बढ़ रहे हैं। जब हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे तो हमें पूर्ण खुशी मिलेगी। उसी चीज़ को आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि परमेश्वर के पीछे कई सारे लोग आ रहे थे, लेकिन ईश्वर ने कहा कि आप सभी हमारे पीछे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप चमत्कार के चलते नहीं, लेकिन आपने भोजन खाया था, इसलिए आप हमारे पीछे आ रहे हैं। मैं याद करता हूँ आज हमारे समाज में भी कई सारे लोग कहते हैं कि पहले के फादर और सिस्टर होते थे, बहुत सारे अच्छे कार्य करते थे, वे हमें सहायता करते थे, बहुत सारे अनुदान दिया करते थे, लेकिन आज के फादर सिस्टर लोग नहीं देते हैं। तो मतलब यही है कि हम आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाए। या तो हमारा जो अंतर आत्मा का, जो हमें विश्वास का बीज, जो बीज बोया गया था, उस पर हम अडिग नहीं हो पाए, लेकिन जो हमें प्राप्त होता था, जो हमें मिलता था, हम उसी पर भरोसा किए। वही है आज के सुसमाचार में,
कि हम परमेश्वर के वचनों पर दृढ़ विश्वास करें। जैसे हम सभी सुनते हैं मैथ्यू के अध्याय 13 में, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि हम सभी मनुष्य वैसे हैं जहाँ पर बीज उस चट्टान पर गिरता है और उसका कोई जड़ नहीं होता है और वह दुख और तकलीफ समस्याओं को देखते हुए वह मुरझा जाता है। तो आज हमारे संसार में कई सारे समस्याएं हैं, तो क्या हम उस समस्याओं को देखकर भागने की कोशिश करते हैं या तो उससे हम हताश हो जाते हैं? यह सभी हमारे लिए प्रसन्न होता है। और हम अंत में यही कहना चाहूँगा कि दूसरे पाठ में सच्चे शब्दों से पौलुस बताते हैं कि हमें परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना है। जो हम बीते वर्षों में या तो प्रथम समय में जो हम सुने थे, देखे थे, उसे हम भूल जाएं और हम नए जीवन में प्रवेश करें जो हमें परमेश्वर ने बताया है। हमें विश्वास में आगे बढ़ना है जो हमारे पुरोहितगण या तो जो हमारे पुरखे लोग दिए हैं। आज हम सभी मनन चिंतन करें, क्या हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम नए रूपों को जो हमारे समाज में, जो हमारे ख्रिस्तीय जीवन में दिया गया है, क्या हम उस पर बढ़ रहे हैं? उस पर हम मनन चिंतन करें। आइए हम सभी कुछ देर मौन रहे और हम इन वचनों पर हम मनन चिंतन करें और अपने जीवन में अमल करें, हम लागू करें। आइए हम परमेश्वर से यह निवेदन करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।